आज सुबह से नए कानून में दिल्ली पुलिस में FIR रजिस्टर होना शुरू हो गया। जो हमारी इस विषय में ट्रेनिंग है वो हमने 5 फरवरी से शुरू कर दी थी। हम लोग इसके लिए तैयार हैं और हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, आज हम लोगों का कमिश्नरेट डे है और इसी दिन जो है ये नए कानून लागू हो रहे हैं। इसमें पहली बार डिजिटल एविडेंस पे बहुत जोर दिया गया है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय सफेद खुली जीप में सवार होकर परेड के निरीक्षण के लिए जा रहे हैं। पुलिस बिल्कुल तैयार है और आज सुबह से नए कानून में दिल्ली पुलिस में FIR रजिस्टर होना शुरू हो गया। पहली FIR अर्ली मॉर्निंग में ही रजिस्टर हो गई नए कानूनों में। हम लोग इसके लिए तैयार हैं और हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, आज हम लोगों का कमिश्नरेट डे है और इसी दिन जो है ये नए कानून लागू हो रहे हैं। इस दिन दिल्ली पुलिस हर साल ये प्रण लेती है कि दिल्ली की जनता की सेवा में बहुत ही सिंसियरिटी और डेडिकेशन से काम करती रहेगी। थैंक यू। जो हमारी इस विषय में ट्रेनिंग है वो हमने 5 फरवरी से शुरू कर दी थी, तो हम लोग काफी अग्रणी रहे। हमने बुकलेट्स बना दी थी जिससे हमने आसान तरीके से अपने महत्व को समझाया कि किस तरीके से जो बदलाव आने वाला है उसकी तैयारी करें। और जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर
चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द न्यू लॉ, जैसे उनके प्रोसेस में जो बदलाव आया है या पनिशमेंट्स में बदलाव आया है या उनकी जो स्पेशल केसेस जैसे विक्टिम सेंट्रिक या फीमेल्स के रिलेटेड लॉज में जो बदलाव आया है, वो हमने उनको बहुत ठीक से समझाया है। इसमें पहली बार डिजिटल एविडेंस पे बहुत जोर दिया गया है। इस डिजिटल एविडेंस पे जोर देने का से मतलब ये है कि अब साक्ष्य आपके डिजिटली रिकॉर्डेड होंगे, और जब आपके एविडेंस डिजिटली रिकॉर्ड होते हैं तो उसमें एक सबसे अच्छी बात रहती है कि आप बहुत ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते, आप बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, और दूसरा उसको कोर्ट को भी समझने में और उसको अप्रिशिएट करने में आसानी हो जाती है। पुलिस कस्टडी और डिटेंशन में जो बदलाव किया गया है, उन्होंने अब ये अनुमति दी है कि पहले क्या होता था कि आपके पास 15 दिन की अनुमति होती थी, आप वो 15 दिन ही 14 दिन ही पुलिस कस्टडी ले सकते थे और एक ही बार ले सकते थे। अब क्या है कि वो व्यक्ति ने कुछ बात बताई कुछ नहीं बताई और फिर वो जाके उसका जो दूसरा आरोपी अरेस्ट होता था उसने कुछ नई बात बताई, तो आप उस पहले वाले से दोबारा बात नहीं कर सकते थे या उसकी पुलिस कस्टडी नहीं ले सकते थे। तो अब जो बदलाव आया है उसमें ये है कि विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज या 30 डेज, आप डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ केस इट इज, उसमें आप दोबारा से उसकी पीसी ले सकते हैं। हम और आउटरीच करेंगे पब्लिक के लिए, तो मेरे ख्याल से 1-2 महीने में और मतलब जागरूकता फैलेगी और इनको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो नए कानून आए हैं वो दंड से न्याय की ओर हमें ले जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से जो जो चैलेंजेस भी अगर आएंगे तो वो हम सरमाउंट करेंगे, बिकॉज ऐसा कुछ इसमें कंफ्यूजिंग नहीं है, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन कि कहीं हमें डाउट हो सकता है और वो हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो दैट इज आई थिंक अ गुड थिंग। Subscribe to One India channel and never miss an update.